नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम मैथ्स के कुछ चुनिंदा प्रश्न कर रहे हैं जो कि आपको एक तरीका सिखाएगा कि कैसे आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि 25 से 50 सेकेंड तो एक्स्ट्रा ही लेंगे। 25 से 50 सेकंड मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम तो आप जान सकते हैं कि अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो 2-3 मिनट लग जाएगा, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए, वो तरीका अगर अपनाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको विद इन कह सकते हैं कि 20 सेकंड ये सोल्व हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन इसी तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देख लेते हैं। ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम लेता है और सी से 2 दिन ज़्यादा लेता है। ए और बी साथ में उतना ही समय लेते हैं जितना सी लेता है, तो बी अकेले कितने दिन में काम समाप्त करेगा, पूछ रहा है बी। तो हमें बी को एक्स मान लेनी चाहिए। सपोज बी को हम एक्स मान लेंगे कि एक्स दिन में काम समाप्त करता है बी, तो यानी कि एक दिन में बी कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। ठीक है, ये बी काम कर रहा है। और यहाँ पे कह रहा है ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम लेते हैं, यानी कि अगर बी एक्स दिन में काम करता है तो ए कितना दिन में करेगा, 6 दिन कम लेता है, यानी कि x-6 दिन में करेगा ए। और कह रहा है कि 2 दिन ज्यादा लेता है सी से, यानी सी करेगा x-8, क्योंकि इससे 2 दिन ज्यादा में ए काम कर रहा है। ठीक है, ए और बी साथ में उतना ही काम कर लेते हैं जितना सी कर लेता है। ठीक है, एक साथ अगर काम करते हैं तो ए और बी एक साथ कितना काम करेंगे, एक बी 1/x, और ए कितना करता है, 1/x-6 करता है। ये एक दिन में ए और बी करते हैं, ये क्या हो गया, बी कर रहे हैं और ये ए कर रहे हैं। उतना ही काम सी अकेले करता है, सी कितना काम करता है एक दिन में, कितना करेगा, 1/x-8 करेगा सी के लिए। ठीक है, अब देखिए ये सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा। हमें पता करनी है बी के बारे में कि बी कितने दिनों में काम करता है, बी एक्स दिनों में काम करता है, तो यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अगर हम ये इक्वेशन बनाएंगे, इसका एक इक्वेशन बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करने में समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम ऑप्शन पुट करना चालू कर देंगे। ऑप्शन ही बेस्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को करने में। तो अगर हम यहाँ पे 10 पुट करते हैं तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/10 + 1/ ये आ जाएगा 4 = 1/2। क्या ये बराबर होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है कि बराबर होगा, क्योंकि ये 25% है और ये 50% है। 25% + 25% मिलेगा तभी यहाँ पे 50% बनेगा, यानी कि ये वाला गलत हो गया। अब यहाँ पे 14 रखेंगे तो 1/14 हो जाएगा प्लस 1/ ये हो जाएगा 8 = 1/14 में से 8 गया तो ये 8 6, यानी कि इतना हो गया। इसको अभी सॉल्व करेंगे तो नीचे 7 का मल्टीपल आ रहा है, जो कि नीचे 7 का मल्टीपल कहीं दिख नहीं रहा है, तो यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे, देखिए ये तरीका है, जैसे ही हमने पुट किया यहाँ पे देखा कि नीचे 7 का मल्टीपल होगा, क्या इसका हम एलसीएम लेंगे तो 7 × 2 × 4 होगा कि नहीं, तो नीचे अगर 7 का मल्टीपल है, इधर 7 का कोई मल्टीपल ही नहीं दिख रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। डायरेक्टली हमने देख लिया, इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 1/12 करते हैं, 1/12 + 1/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करते, देखिए आ जाएगा कैसे, देखिए ये हो जाएगा 12 और ये 1 + ये हो जाएगा 2, यानी कि 3/12, यानी कि 1/4, जो कि इसके इक्वल हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। आसानी से आप वैल्यू पुट करके आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो चीजें लेंदी हो जाएगी, आपका समय भी जाया होगा, हो सकता है क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो गया तो पूरा आपका मेहनत पानी में चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी जो क्वेश्चन है अगर आप बेसिक तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको ऑप्शन से देखते हैं। देखिए ऑप्शन भी आपको तगड़े वाले दिख रहे होंगे, तो कैसे हम अप्लाई करेंगे ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, मृदुल एक व्यापार में 29,500 रुपया लगाया, साला का 4 माह बाद 33,500 रुपया लगाया, यदि कुल लाभ 2 वर्ष बाद इतना रुपया है। ठीक है, इतना रुपया है तो मृदुल का लाभ में हिस्सा क्या था, ये पूछ रहा है। सिंपल रेशियो का प्रश्न है, आप आसानी से कर लेंगे अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो, लेकिन मुद्दा की बात क्या है कि इसमें आपको समय लग जाएगा। अब समय कैसे बचाएंगे, हम रेशियो पहले निकालते हैं मृदुल का, और ये किसका है, ये सलाका का है। तो मृदुल कितना लगाया, 29,500, कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए टोटल ये लगा रहा है, यानी कि 24 मंथ के लिए।
सलाका लगाया कितना, 3,3,5,0,0, और ये कितना महीने के लिए, ये 4 माह बाद, यानी कि ये अगर हम कर दे तो 20 महीने के लिए लगाया, ठीक है। अब इसका जो रेशियो है उसी रेशियो में इसका प्रॉफिट डिवाइड होगा, तो यानी कि इधर हम कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 से काटे तो ये हो जाएगा 5×25, और ये हो जाएगा 9×45 से × 24 हो जाएगा, और इधर अगर 5 से काटे तो ये 3×3,5 × ये हो जाएगा 5×24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक अपनानी है, और भी रेशियो, ये जो रेशियो है वो और भी नीचे तक कटेगा, लेकिन हमें क्या देखनी है कि यहाँ पे ये जो चीज है वो 59 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, इन दोनों से हम आंसर निकाल लेंगे कैसे। देखिए कुछ क्या आता है, मृदुल का लाभ हिस्सा, यानी कि मृदुल का लाभ हिस्सा कितना होगा, अगर सपोज ये ए है और ये बी है, तो मृदुल का क्या हो जाएगा, लाभ का हिस्सा, टोटल लाभ कितना है, 120 और ये 575 है, इनटू रेशियो को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। रेशियो किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मृदुल का, मृदुल का कितना है, 59×24, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 59×24 अपॉन क्या लिखेंगे, 59×24 +30, यहाँ पे लिख सकते हैं 59×24 प्लस ये लिख सकते हैं 3×3,5×4 लिख सकते हैं। ये जो रेशियो है उसको हम और डिटेल में नहीं सोल्व किए, क्यों नहीं सोल्व किए आपको पता चल जाएगा। तो यानी कि जो भी आंसर आएगा, इतना जो भी आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, वो 59 का मल्टीपल होगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो जो भी कट उठ के आएगा, देखिए आंसर जो भी आ रहा है वो एकदम से फ्रैक्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो यानी कि जो भी कट के आएगा वो आंसर 59 का मल्टीपल होगा, यानी कि 59 का मल्टीपल अगर हम चेक कर लेते हैं, उससे पहले हमें छोटा सा और भी एक चेक करनी है कि वो जो आएगा आंसर, जो भी आंसर आएगा वो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले 3 का मल्टीपल कौन है, 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए, यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, सभी का ऐड कर देते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 7×2×9, ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 9 कट जाएगा 3 से, ये 6 कट जाएगा और ये 5×6, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर इसकी बात करें तो ये 9 कट जाएगा 3 से, ये 5×2×10×2×12, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 6, ये तो डिवाइड हो जाएगा, और ये 5×2×7×7 और ये 8 कितना हो जाएगा, 15×5×20, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, बी की ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर बी और सी होगा। जब बी और सी होगा तो अब चेक करेंगे कि इसमें एक ही आंसर कहीं होगा, तो चेक करेंगे 59 से डिविजिबल कौन है, 59 से अगर इसको भागा देंगे तो ये क्या बच जाएगा, अगर 59 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1 times, यानी कि यहाँ पे 59 लिखेंगे तो ये 2 और ये 9 हो जाएगा 0, और यहाँ पे हम 5 कर दे तो ये हो जाएगा 9×45, यानी कि 5 times कटेगा, 9×45 से, यानी कि ये हो जाएगा 5 और 5×25, यानी कि 25+4 29, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 59 से, यानी कि हमारा आंसर ये हो जाएगा। आप इसको चेक करेंगे, 59 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं, 59 यहाँ तक तो कट जाएगा, उसके बाद ये 59 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि हमारा आंसर ये होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, अगर हम बेसिक तरीके से करते हैं तो क्या करते हैं, इसका पूरा एकदम से सिंपल, पहले हम फॉर्म निकालते हैं कि क्या रेशियो आ रहा है, उसके बाद रेशियो आता है इसी फॉर्म में हम लिखते हैं, उसके बाद इधर काटना पीटना चालू करते हैं, उसके बाद मल्टीपल करते हैं, तब जाके ये वाला हमारा नंबर इतना बड़ा आता है, तो काफ़ी समय लग सकता था। हमने डिविजिबिलिटी रूल का यहाँ पर अप्लाई करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी हम ऑप्शन का यूज करेंगे। 600 रुपया को ABC में बांटा गया, ए के 2/5 से 40 रुपया अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपया अधिक, सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक बराबर है, यानी कि जितना भी ये टर्म दे रखा है वो आपस में बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या होगा, 600 में ए का हिस्सा क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन को हम मैथमेटिकल टर्म में लिख लेते हैं, पहले क्या कह रहा है, ए का 2/5 +40 किसके बराबर है, बी के 2/7 +20 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये है सी के 9/17 +10 के बराबर है। देखिए अब इससे हमें दो तीन इक्वेशन निकल जाएगा, तीन ही इक्वेशन निकलेंगे क्योंकि तीन वेरिएबल है, तो अगर हम इक्वेशन से करेंगे काफ़ी लेंदी हो जाएगा, मिनिमम आपको तो 5 से 10 मिनट लगेगा ही, लेकिन अगर आप ऑप्शन पुट करेंगे आसानी से हो जाएगा। कैसे, देखिए
हमने ए की वैल्यू 180 पुट कर दी, तो ये कितना हो जाएगा 36, 36 दूनी 72, यानी कि 72 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 72 प्लस 40 हो जाएगा 2 और 11, यानी कि 100 कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया। इतना की वैल्यू कितना हो गई, 112, यानी कि अगर हम बी की वैल्यू निकालें तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, बी की वैल्यू इसमें आ जाएगी, बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसमें से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 92, 92 और 92 इंटू 7/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 46 इंटू 7, 42, 28, 28 4 32, 322 हो जाएगा, किसका वैल्यू, बी की वैल्यू। सी की वैल्यू अगर निकालें, सी की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 112 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102, यानी कि 102 इंटू 9/17, यानी कि 17 6, यानी कि 6 से कैंसिल हो रहा है और ये क्या हो जाएगा, 9 6 54 हो गया। ये 322 आ रहा है, सी आपका 54 आ रहा है, ए आपने कितना माना था, 180, तो तीनों मिला के देखते हैं कि क्या हमारा 600 आ रहा है। अगर 54 यहाँ पे जोड़ते हैं तो 4 2 6 आ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे 6 लास्ट में आ रहा है, जो कि हमें मिल नहीं रहा है 600, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बी को चेक करते हैं, ए की वैल्यू हम 160 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 और ये 5 2 10 32 2 64, 64 और 40 कितना हो जाएगा, 64 40, 104 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, बी की वैल्यू अगर इसमें से माइनस 20 करेंगे, इसमें से माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 84, यानी कि 84 इंटू 7/2, ये हो जाएगा 4 2 और ये अगर 7 2 14 7 4 28, 284 आ गया बी की वैल्यू। सी की वैल्यू निकालते हैं, सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये हो गया हमारा कितना, 104, यानी कि 104 माइनस 10 यानी कि 94 इंटू कितना करेंगे, 17/9, 9 यहाँ 9 से ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो यानी कि हमारा ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। बी की वैल्यू इंटीजर में है, ए की वैल्यू इंटीजर में है, सी की वैल्यू भी इंटीजर में होनी चाहिए क्योंकि टोटल कितना है 600, तो ये हमारा आंसर ही नहीं होगा बी। तो अब हम सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 150, यानी कि 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और बी अगर निकाल रहे हैं तो 100 माइनस 20 80 हो जाएगा, 80 इंटू 7/2 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये 28 280 हो जाएगा बी की वैल्यू। अगर सी की वैल्यू निकालते हैं तो 100 माइनस 10 इंटू 17/9, तो यानी कि 90 इंटू 17/9, यानी कि 10 और ये 170 हो रहा है सी की वैल्यू। बी की वैल्यू हमारा 280, सी की वैल्यू 170 और हमने ए की वैल्यू कितना माना है, 150, तो टोटल देखते हैं क्या हमारा 600 आ रहा है, लास्ट में तो 0 आ रहा है, ये 15 हो गया, 8 7 15 15 5 20, यानी कि 0 0 2 1 3 3 4 5 और ये 6, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है इससे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आप इसका इक्वेशन बनाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, 5 मिनट तो मिनिमम लगेगा ही। तो आशा करते हैं ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आज कराए आपको आसानी से समझ में आए होंगे। अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।